दोपहर के 1 बजा है। मैं आज बहुत लेट से वीडियो स्टार्ट की हूँ क्योंकि सुबह का तो मेरा सारा काम ख़त्म हो ही गया क्योंकि बोली थी क्योंकि मतलब मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने वीडियो करूँ क्या करूँ तो कुछ ये नहीं लग रहा था, तो सोचा अभी कर देती हूँ। बहुत दिन हो गया वीडियो भी नहीं दिया मैंने, 2 दिन हो गया। आज खाना मैंने क्या क्या बनाया, मछली बनाया, टेंगड़ा माछ और भात कैला नहीं होता है तो भात कैला का फ्राई और कुमड़ा दाल से बनाया, बस यही खाना बनाया क्योंकि तबीयत अच्छा नहीं लगने से कुछ बनाने का भी मन नहीं करता, तो उतना ही बनाया। अभी मैं टीवी देख रही हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन मुझे भूख भी लगा है। सुबह में मैंने कुछ नहीं खाया, सेवई बनाया था तो थोड़ा सा सेवई खाया, सबको ही खाया, सेवई ही खाया सबको ही, रोटी वोटी बनाया नहीं मैंने। और अभी ना बहुत ही हवा दे रहा है बहुत, लेकिन इधर में धूप भी है और हवा भी चल रहा है, कुछ दिन से ऐसा ही चल रहा है, पटक से बारिश भी हो जाता है फिर धूप भी निकल जा रहा है और आज तो पूरा हवा दे रहा है। बहुत टाइम के बाद अभी आई हूँ, टाइम बहुत हो गया। मैं सुबह में दिखाई थी आप लोग, सुबह दोपहर में दिखाई थी, खाना ना बन गया उसके बाद में तो और वीडियो किया नहीं मैंने। मैं गई थी थोड़ा दुकान में, सामने में एक बच्चा का बर्थडे है तो उसके लिए एक वाटर बोतल लेके आई हूँ मैं। और मैं सुबह में जाती हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो मेरा ना शूज जो जूता पहन के जाती हूँ फट गया, तो एक लेके आई हूँ नेट का। शू दिखाती हूँ आपको, बहुत ही अच्छा है, पहनने से भी खूब आराम लगता है, मतलब कंफर्टेबल है। तो मैं कल सुबह में जब जाऊंगी पहन के मॉर्निंग वॉक करने के लिए तब दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आज तो किया नहीं ज़्यादा वीडियो, अभी एक के बाद में शायद सुबह में आऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी चेंज भी नहीं किया मैं, आई हूँ शॉपिंग दुकान से। जो मेरा ये साड़ी आप लोगों को कैसा लग रहा है बोलिएगा। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के शायद 4:30 हुआ है, हम लोग 4:30 में निकल जाते हैं दोनों। हाँ तो हस्बैंड गेट खुला दिखे, बाली साइड में था ना आप लोग देखा शायद, उसी पौधा के सामने था तो सारा बाली और गिट्टी सब भरा के रख दिया था साइड में, तो वही देख रहा था। और अभी हम दोनों चले गए, निकल गए मॉर्निंग वॉक करने के लिए। आप लोग भी रहिए मेरे साथ, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। और देखिए सुबह का टाइम में कोई भी नहीं है रास्ता पर, कोई भी नहीं। मंदिर था ये राम मंदिर, तो आप लोगों को भी थोड़ा दिखा दिया मैंने, आप लोग भी भगवान को थोड़ा प्रणाम कर लीजिए। और कबूतर रास्ता में पूरा कबूतर भरा हुआ था। और इधर में हम लोग का दुकान है तो मैं थोड़ा वीडियो कर दिया था। और देखिए इतना मतलब ओस होता है ना सुबह में जो गिरते हैं ना ठंडे के दिन में, तो वो देखिए पूरा गिर रहा है सुबह के टाइम में। इतना गर्मी है अभी लेकिन फिर भी सुबह का टाइम ऐसा गिरते हैं जो ठंडा का दिन में गिरते हैं, पूरा व्हाइट व्हाइट रहते हैं। और देखिए पूरा ऐसा हुआ है, पठार है, खेत होता है वहाँ पर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह से मेरा वीडियो करना नहीं हुआ है, सुबह का जब मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ उसके बाद में वीडियो नहीं कर पाई मैंने, थोड़ा सा दिखाया आप लोगों को। और मैं जो जूता लाया था कल ना, तो आप लोगों को थोड़ा दिखा दिया था, तो आप लोग बताइएगा कैसा हुआ मेरा ये पांचो। और देखिए हवा चल रहा है, बोला था ना मैंने धूप भी हो रहा है और हवा भी चलते है। और अभी मैं खाना बना रही हूँ, टाइम हो गया 12:30 हो गया और खाना मेरा लगभग हो ही गया सब कुछ। अभी सिर्फ आम का चटनी बनाऊंगी, मीठा तीखा और खट्टा सब मिक्स्ड। तो चलिए सोची हूँ मैंने, जब अभी सुबह से कुछ भी वीडियो नहीं किया तो ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए। थोड़ा सा तेल दे दिया,
और यहाँ पर मैंने आम धो के और ऐसे टुकड़ों में काट लिया। और ये आम है ना हम लोग का खुद का पेड़ का है। और मैंने अभी कढ़ाई तेल में दे दिए इलायची और सौंफ, इलायची थोड़ा तोड़ के दे दिया, लेकिन वीडियो करना नहीं हुआ मेरा। अभी दे दूंगी आम। पाँच सात मिनट के लिए मैंने ढक दिया और ये सब्जी बन गई कम्प्लीट। और आज है संडे, मैं दो दिन साथ हो गया वीडियो किया नहीं, तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं था। और देखिए लाए हैं आज संडे के लिए आम, आम और लीचू, और लाए कॉल, आम लीचू कॉल। अभी तो यही सब खाने का दिन है। मुझे ना आम बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे आम खाने में, आम और अंगूर। और दूसरा फ्रूट्स भी खाती हूँ लेकिन आम और अंगूर होने से कुछ भी नहीं चाहिए। और अभी 5 मिनट हो गया, मैं अभी ढक्कन उठा के देखूँगी। देखिए आम सारा कोमल, पूरा एकदम कोमल कोमल हो गया, नरम हो गया मतलब। अभी दे दूंगी, 3 मिर्च दे दिया और थोड़ा सा नारियल दे दूंगी मैं। नारियल थोड़ा सा ज़्यादा ही दिया हूँ मैंने, क्योंकि नारियल देने से अच्छा लगता है। और अभी दे दूँगी पानी, मीठा। आप लोग सोच रहे मीठा बोले लेकिन मीठा चीज़ कहाँ है, मीठा चीज़ मैंने थोड़ी देर के बाद दूँगी, क्योंकि हस्बैंड तो नहीं खाते हैं मीठा, तो उसका उनके लिए निकाल कर उसके बाद दे दूँगी। अभी दे दूंगी गुड़, मैं गुड़ से बनाऊंगी। आप लोग चाहिए तो चीनी से भी बना सकते हैं, तो मैंने गुड़ था तो गुड़ से बना दे रही हूँ। गुड़ से भी बहुत ही अच्छा लगता है। खाने के बाद मैं सो गई थी, उसके बाद में हम दोनों चले गए थोड़ा मार्केटिंग करने के लिए, कहीं पर जाना है इसलिए मैंने टेंस पर चले गए, लेकिन अंदर वीडियो नहीं कर पाई मैंने। मैं गई थी टेंस में बाज़ार करने के लिए, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया, मैं अंदर वीडियो नहीं कर पाई हूँ क्योंकि हस्बैंड दुकान खुला छोड़ के आए थे तो लड़का को बैठा कर, इसलिए जल्दी जल्दी शॉपिंग करके आ गया। जल्दी जल्दी मतलब मैं परसों भी गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो फिर से दो कुर्ती मैंने पसंद करके आई थी, तो इसलिए हस्बैंड ने बोला चलो वो दो भी ले लेते हैं। पहले भी उस दिन भी मैंने 3 कुर्ती, और फिर आज जाकर और 2 लेके आई हूँ। कूपन के लिए फिर मुझे और एक ज़्यादा लेना पड़ा, एक पसंद करके आई तो लाने गई थी तो और एक लेना पड़ गया, तो मैं वो सब नहीं दिखाई है आप लोगों को। और क्या क्या शॉपिंग किया मैंने वो आप लोग को अगला वीडियो में मिलेगा।
और आज जो मैंने जो रेसिपी दिखाया था आपको आम का चटनी, वो बहुत ही टेस्टी हुआ था, बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग बनाइएगा ऐसा, और बनाकर मुझे कमेंट करने मत भूलिएगा जो आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, अंकित को बहुत ही पसंद आया, वो तो बहुत सारा खा लिया। तो अभी आज ना वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ, तो आज के लिए टाटा बाय बाय, फिर कल लेके आ जाऊँगी नया एक और एक वीडियो।